छतरपुर में सरकार का बड़ा एक्शन, पुलिस पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई, तोड़े जाएंगे 45 आरोपियों के अवैध निर्माण। छतरपुर में उपद्रवियों के पुलिस पर पथराव के खिलाफ अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने इस मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर 46 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की है, जबकि 150 अज्ञात लोगों पर केस कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपी बनाए गए मुस्लिम समाज के पूर्व सदर हाजी शहजाद अली के आलीशान बंगले को जमीन दोज कर दिया। अब प्रशासन अन्य 45 आरोपियों की मकान भी तोड़ने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर राजनीति गर्मा गई है। कल आरोपी पर हुई कार्रवाई में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने CM को पत्र लिखकर इस बिना नोटिस मकान तोड़ने को गलत बताया था। वहीं इधर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने छतरपुर में हुई कार्रवाई पर CM मोहन यादव का धन्यवाद दिया। रामेश्वर शर्मा ने विधायक आरिफ मसूद के पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि आरिफ मसूद MLA है, उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस के साथ मारपीट करें, गुंडागर्दी करें और बाद में उनको बिरयानी खिलाएं, ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, BJP और CM मोहन यादव का नहीं। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, न कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए गए तो वो उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और असामाजिक प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के संरक्षण कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। गुरुवार को पथराव करने वाले 30 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया। साथ ही शाम को आरोपियों का जुलूस निकाला गया। आज शुक्रवार की दोपहर में आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। वहीं अभी पुलिस ने शहर में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इधर आज शुक्रवार नमाज का दिन है, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरे शहर में मस्जिदों के बाहर डेरा डाले हुए हैं, ताकि कोई भी उपद्रव ना हो। बता दें कि इस पथराव में TI अरविंद कुजूर सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मुस्लिमों की यह भीड़ महाराष्ट्र के नासिक में महंत रामगिरी द्वारा पैगंबर साहब के खिलाफ दिए गए एक आपत्तिजनक बयान के खिलाफ FIR कराने के लिए कोतवाली में जमा हुई थी और तभी अचानक भीड़ ने पुलिस थाने में पथराव शुरू कर दिया था। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर जारी किए अपने बयान में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। CM से मिले निर्देश के बाद IG प्रमोद कुमार और कमिश्नर वीरेंद्र रावत भी छतरपुर आए थे। प्रदेश और शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल बुंदेली हलचल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।